जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे हमने एक लॉगिन एपीआई क्रिएट की थी, फिर हमने उसमें क्या किया था, टोकन भी सेंड किया था, ठीक है, जिससे कि हम यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाए, ठीक है। तो अभी हमने उस एपीआई में जो हमारा पिछला लेक्चर रह चुका है उसमें हमने टोकन सेंड किया था, ऑथेंटिकेट नहीं किया था, ठीक है। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि कैसे आप एक एपीआई को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि वो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट आ रही है नहीं, ठीक है, इसी टोकन का यूज करके, जो लॉगिन हुआ है यूजर उस टोकन का यूज करके, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक टेस्ट एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टेस्टिंग पर्पज से बना रहा हूँ मैं, गेट एपीआई बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसका राउट रख लेता हूँ टेस्ट, एंड देन इसके आगे हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इस एपीआई को अगर अभी हिट करता हूँ तो ये तो अभी वर्क नहीं करेगी क्योंकि अभी हमने रजिस्टर नहीं किया, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि कैसे ये इस एपीआई को हम ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, जब लॉग इन यूजर हो पाए तभी इस एपीआई को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट में ही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूजर राउट का यूज करूंगा, यूजर राउट डॉट गेट, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक टेस्ट नाम का मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ टेस्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर एमबीसी यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कंट्रोलर में वर्क करना चाहिए, फिलहाल में मैं टेस्टिंग पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑथेंटिकेट कर पाओगे किसी भी एपीआई को या रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सॉरी रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैं यहाँ से पास कर देता हूँ 200, डॉट सेंड कर देते हैं हम कुछ मैसेज, लाइक सक्सेस सक्सेस दे देते हैं हम इसको ट्रू, एंड देन मैसेज में हम पास कर देते हैं लाइक कुछ मैसेज कि ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस एपीआई को कॉल करूंगा तो मेरे को रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो अभी क्या है, रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली हमने यहाँ पर पास नहीं किया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं अगेन रिफ्रेश, तो अभी क्या है, सर्वर से कनेक्ट हुआ, देख सकते हैं ऑथेंटिकेटेड आ चुका है, ऑथेंटिकेटेड कर दिया बेसिकली मैंने, तो ऑथेंटिकेटेड था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस एपीआई को कैसे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं इस टोकन का यूज करके, हमें कैसे चेक करना है कि ये टोकन पास हो रहा है या नहीं, कैसे चेक करना है कि ये वैलिड टोकन है या नहीं, ठीक है। तो इस एपीआई में पास जो होगा वो वैलिड टोकन होगा या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडर्स में भेजेंगे टोकन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट करने वाले हैं, फिर आगे हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो हम मिडलवेयर के अंदर एक मिडलवेयर यूज करने वाले हैं, ऑथ डॉट जेएस, ठीक है। ये मॉड्यूल बना रहे हैं हम बेसिकली, इसके अंदर हम कोड करेंगे और फिर हम इस मॉड्यूल का या इस मिडलवेयर का हम बाहर यूज करेंगे अपने राउट्स पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जेडब्ल्यूटी टोकन को रिक्वायर करना होगा। जैसे कि आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो यार काफी इंपोर्टेंट रहा है, तो देख लीजिएगा, ठीक है, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो हम इसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक जेडब्ल्यूटी में। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, कन्फिग को यूज करने वाला हूँ। देखिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ही बताया था कि कैसे कन्फिग डॉट जेएस में हमने एक सीक्रेट की रखी हुई है, जो कि बेसिकली हम यूज कर रहे हैं जेसन वेब टोकन के लिए, जिससे हम वेरीफाई कर पाएंगे आगे चल करके, इसलिए मैंने यहाँ पर कन्फिग में रखी हुई है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कन्फिग नाम का, और यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ अपने कन्फिग मॉड्यूल को, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे वैक डॉट डॉट स्लैश कन्फिग स्लैश कन्फिग, तो हमने यहाँ पर कन्फिग से सीक्रेट जेडब्ल्यूटी की ले ली हमने, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, एक मेथड बनाएंगे और मेथड हम बना लेते हैं लाइक वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन, जो कि बेसिकली क्या होगा, असिंक अवेट मेथड बनाएंगे हम यहाँ पर असिंक। और हमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं बाद में ध्यान ना भूलूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल वेरीफाइड टोकन को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि टोकन हमें मिल भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब यूजर क्या है, यूजर कई तरीके से अपने टोकन को भेज सकता है, लाइक हेडर्स के साथ, बॉडी के साथ, या पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर भी पास कर सकता है, ठीक है। तो हम तीनों वेज चेक करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक टोकन नाम का, जिसमें हम असाइन कराएंगे लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। वो क्या कर सकता है, बॉडी से भी सेंड कर सकता है लाइक टोकन नेम का, ठीक है। अभी देखिए गाइस आपने ध्यान नहीं दिया हो, पर हमने असिंक मेथड के पैरामीटर्स में हमने कुछ भी यहाँ पर पास नहीं किया, तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट लेनी होगी, रेस्पॉन्स लेना होगा, साथ में एक तीसरा और पैरामीटर लेना होगा जिसकी हमें काफी नीड होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट है उसका, ठीक है, नाम। एंड देन गाइस ये क्या करेगा,
इसकी मदद से हम जो नेक्स्ट होता है इसकी मदद से हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे, प्रोसीजर कर पाएंगे अपनी रिक्वेस्ट को, लाइक टोकन सही तरीके से होता है तो ठीक है, तो सही टोकन पास होता है ठीक है। अभी हमने एक चेक कर लिया कि बॉडी के द्वारा भेज सकता है ठीक है, अभी हम यहाँ पर दो और चेक करने वाले हैं ठीक है, या तो वो क्वेरी के साथ भी पास कर सकता है लाइक क्वेरी डॉट टोकन ठीक है, टोकन ही नेम हुआ ठीक है, एंड देन गाइस लाइक रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स भी भेज सकता है ठीक है, हेडर्स में हमें चेक करना होगा कि हेडर्स के द्वारा भेज रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हेडर्स के साथ भेजूंगा मैं यहाँ पे, तो ऑथोराइजेशन जो कि बेसिकली नेम होता है उसका ऑथोराइजेशन ठीक है, ऑथोराइजेशन हमने आपसे निकाल लिया, टोकन हमारे पास आ गया। अगर बाय द वे गाइस ये टोकन नहीं होता है, नॉट करके टोकन हम चेक कर लेते हैं, अगर टोकन नहीं होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स सेंड करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ से हम क्या करेंगे 400 या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से 200 ही दे देता हूँ, बेसिकली मेरे को एक परफेक्ट मैसेज देना है उसे यूजर को ठीक है, तो सेंड करूंगा, क्या सेंड करूंगा, एक परफेक्ट मैसेज ठीक है, तो नॉट टोकन होता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सक्सेस नाम का हम यहाँ से क्या करते हैं की बनाते हैं, और जिसको हम कर देते हैं फॉल्स, एक मैसेज दे देते हैं यूजर को कि भाई टोकन रिक्वायर्ड है ठीक है, आ टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ठीक है, ये मैंने बेसिकली मैसेज दे दिया यूजर को। अगर बाय द वे गाइस टोकन होता है तो हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज कर लेते हैं और आगे की बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड कर देंगे, कोई एरर होती है तो ठीक है, तो सेंड कर देते हैं लाइक इनवैलिड टोकन या जो आप चाहते हैं वो आप पास कर सकते हैं, या आप एरर के मैसेज को आप पास कर सकते हैं ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनवैलिड टोकन पास कर दिया ठीक है। अब गाइज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा टोकन है वो वेरीफाइड है या नहीं ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, JWT का यूज करेंगे, JWT डॉट वेरीफाई मेथड होता है इसके पास, और सबसे पहले तो हमें वो टोकन पास करना होगा जो वहां से आ रहा है रिक्वेस्ट से, तो वो हमारा टोकन आ रहा है इस वेरिएबल में, तो हमने वो वेरिएबल यहाँ पर पास किया, और हमें यहाँ पर सीक्रेट की पास करनी है ठीक है, तो जो कि मेरी कन्फिग में रखी हुई है, कन्फिग डॉट सीक्रेट JWT ठीक है। अब मैं इसको रख लेता हूँ एक वेरिएबल में, लाइक डिकोड कर लेते हैं हम यहाँ पे डिकोड, और ये मैंने रख लिया ठीक है, इसको हम बता देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर को कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है ठीक है, तो अब जब ऑथेंटिकेटेड होगा तो हमने नेक्स्ट का यूज करना है और आगे हमें प्रोसेस करा देनी है, आगे जो राउटिंग वगैरह होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न नेक्स्ट ठीक है, ये मेथड है बेसिकली ठीक है, एंड देन गाइज हमें यहाँ पर इतना काम करना था, ये आपका मिडलवेयर बन चुका है और अब हमें इसे राउट्स पर यूज करना है ठीक है, तो राउट्स पर कैसे यूज करोगे, लाइक ये भी राउट है ये भी राउट है, तो जैसे आप यहाँ पर राउट नेम आप पास करते हो ना, उसके आगे यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपना मिडलवेयर वेरिएबल पास कर दोगे ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपना मिडलवेयर वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ लाइक ऑथ करके, और जो कि हमें रिक्वायर करना होगा, जो कि अभी हमने मिडलवेयर बनाया वो हमारा कहाँ रखा हुआ है, वो हमारा रखा हुआ है डॉट 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 करके बाहर जाएंगे मिडलवेयर में जाएंगे, और ऑथ नाम का हमारा मिडलवेयर था ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं पास कर देंगे कहां पर, यहां पर ठीक है, ठीक है अभी हमने इतना काम किया, एंड देन गाइस मैं यहां पर चलता हूं रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, तो अभी क्या बोला है आ टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ठीक है, तो हमारा ये वर्किंग कर गया, जो हमारा ये था ये जो हमारी कंडीशन चली ये हमारी वर्किंग करी है ठीक है, मतलब उसे टोकन नहीं मिला तो उसने ये चलाया। अब देखिए बाय द वे गाइस हम क्या करते हैं यहाँ से टोकन कॉपी करते हैं जो हमारा लॉगिन टोकन था जो कि अभी हमने लॉगिन किया हुआ है, और हम यहाँ से क्या करते हैं टेस्ट वाली में जाते हैं और यहाँ पर हम एज एन हेडर पास कर देते हैं ऑथोराइजेशन ठीक है, ये बेसिकली आ गया ठीक है, और यहाँ से हमने पास किया सेंड करते हैं, तो देख सकते हैं गाइज ये ऑथेंटिकेटेड बोला। अगर बाय द वे गाइज टोकन कुछ गड़बड़ हुई ठीक है, लाइक मैंने कुछ शब्द इसमें काट दिए ठीक है डिलीट कर दिए, तो अब यहाँ पर क्या बोलेगा इनवैलिड टोकन जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये मैंने एज एन कैसे नहीं भेजा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट वगैरह भेज सकते हैं, एरर एरर तो सिंपल है ऐसे ही जानी होती है ठीक है, तो इनवैलिड टोकन आपने ऐसे कर दिया, लाइक अगर आप परफेक्ट टोकन डालते हैं तो आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, आपकी एपीआई वर्क हो जाएगी, अगर बाय द वे आप नहीं पास करते हैं तो आपका जो है आ टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन चलने वाला ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे आप एक एपीआई को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजिंग JWT टोकन यूजिंग मिडलवेयर ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपडेट पासवर्ड कर सकते हैं, सो थैंक यू।